ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, ये वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे साई बाबा के चमत्कार की कहानी, वो भी एक नहीं दो नहीं पूरे 10 कहानी की। जी हाँ दोस्तों, जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ, क्या आप मेरे चैनल पर नए हैं? अगर हाँ तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही धार्मिक पौराणिक और चमत्कारी कहानियाँ हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते हैं। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। यूं तो शिरडी के साईं बाबा के सैकड़ों चमत्कार हैं, लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं मात्र 10 चमत्कार के बारे में। हो सकता है कि हमसे कुछ महत्वपूर्ण चमत्कार या बाबा की कृपा के किस्से छूट गए हों। चलिए पहली कहानी शुरू करते हैं। साईं बाबा प्रतिदिन मस्जिद में दिया जलाते थे, इसके लिए वे बनिए से तेल मांगने जाते थे। लेकिन एक दिन बनिए ने बाबा से कह दिया कि बाबा, हमारे पास तेल नहीं है। तब बाबा वहां से चुपचाप चले गए और मस्जिद जाकर उन्होंने दिए में तेल की जगह पानी डाल दिया। दिया जल पड़ा और ये बात चारों तरफ फैल गई। तब वहां के बनिए उसके सामने आए और उनसे माफी मांगने लगे। तो बाबा ने कहा, मैंने तुम्हें माफ किया। और उसने कहा कि अब कभी झूठ मत बोलना। दूसरी कहानी। एक बार बाबा का भक्त बहुत दूर से अपनी पत्नी को लेकर बाबा जी के दर्शन के लिए आया था, और जब वह जाने लगा तो जोर शोर से बारिश होने लगी। तब उनका भक्त परेशान हो गया। तब बाबा ने उनकी परेशानी को देखकर कहा, हे अल्लाह, बारिश को रोक दो, मेरे बच्चों को घर जाने दे। और तत्काल ही बारिश रुक गई। ओम साई राम। तीसरी कहानी शुरू करते हैं। एक बार गांव के एक व्यक्ति की एक बेटी अचानक खेलते हुए वहां के कुएं में गिर गई। लोगों को लगा कि वह डूब रही है। सब वहां पर भागे भागे दौड़ कर गए तो देखा कि वह हवा में लटकी हुई है और कोई दृक्ष यानी कि अदृश्य शक्ति उसे पकड़े हुए है। वे और कोई नहीं, बाबा ही थे, क्योंकि वे बच्ची कहती थी, मैं बाबा की बहन हूँ। अब लोगों को कोई और स्पष्टीकरण की जरूरत ही नहीं थी। ओम साई राम। चौथी कहानी शुरू करते हैं। मल्लासा पति के यहाँ जब पुत्र हुआ तो वे उसे बाबा के पास लेकर आए और उनका नामकरण करने के लिए कहने लगे। बाबा ने उस पुत्र को देखकर मल्लासपति से कहा कि इसके साथ अधिक आसक्ति मत रखो, सिर्फ 25 वर्ष तक ही इसका ध्यान रखो, इतना ही बहुत है। यह बात मल्लासपति को तब समझ आई जब उसके पुत्र का 25 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। 1922 में भगत मल्लासपति का भी देहांत हो गया। ओम साई राम। पांचवी कहानी शुरू करते हैं। एक दिन बाबा ने 3 दिन के लिए अपने शरीर को छोड़ने से पहले मल्लासपति से कहा कि यदि मैं 3 दिन में वापस लौटता नहीं तो तुम मेरे शरीर को अमुक जगह पर दफना देना। 3 दिन तक तुम्हें मेरे शरीर की रक्षा करनी होगी। धीरे धीरे बाबा की सांस बंद हो गई और शरीर की हलचल भी बंद हो गई। सभी लोगों ने ये सोच लिया कि बाबा अब नहीं रहे। सभी लोगों में खबर फैल गई कि बाबा का देहांत हो गया है। डॉक्टर ने भी जांच करके मान लिया कि बाबा शांत हो गए हैं। लेकिन मल्लासपति ने सभी को बाबा से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि 3 दिन तक इनके शरीर की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। गांव में इसको लेकर विवाद हो गया, लेकिन मल्लासपति ने बाबा के सिर को अपनी गोद में रखकर 3 दिन तक जागरण किया।
किसी को बाबा के पावन शरीर को हाथ भी नहीं लगाने दिया। 3 दिन बाद जब बाबा ने वापस शरीर धारण किया तो जैसे चमत्कार हो गया, चारों ओर हर्ष व्याप्त हो गया। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः। 6ठी कहानी, मुंबई के रहने वाले काका महाजनी का विचार शिरडी में एक हफ्ता ठहरने का था। पहले दिन दर्शन करने के बाद बाबा ने उनसे पूछा, तुम कब वापस जाओगे? उन्हें बाबा के इस प्रश्न पर आश्चर्य सा हुआ। तब उन्होंने कहा, जब आप आज्ञा दें। बाबा ने कहा, कल ही। यह सुनकर काका महाजनी ने तुरंत शिरडी से प्रस्थान कर लिया। जब वे मुंबई अपने ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने अपने सेठ को अति उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते पाया, क्योंकि मुनीम के अचानक ही अस्वस्थ हो जाने के कारण काका की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। सेठ ने काका को बुलाने के लिए पत्र लिखा था जो उनके पते पर से वापस लौट आया। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः। 7वीं कहानी शुरू करते हैं। बाबा का जब हाथ जल गया था तो भागोजी शिंदे ही उनके हाथ पर घी मलने और पट्टी लगाने का कार्य करते थे। भागोजी शिंदे कुष्ठ रोगी थे। चादोर करजी बाबा के लिए मुंबई से एक डॉक्टर परमानंद को इलाज के लिए लेकर आए थे, लेकिन बाबा ने इनकार कर दिया और वे शिंदे के हाथों घी लगाकर ही ठीक हो गए। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः। 8वीं कहानी शुरू करते हैं। धूमाल एक मुकदमे के संबंध में निफाड़ के न्यायालय को जा रहे थे। मार्ग में वे शिरडी उतरे, उन्होंने बाबा के दर्शन किए और तत्काल ही निफाड़ को प्रस्थान करने लगे। परंतु बाबा की स्वीकृति प्राप्त ना हुई, उन्होंने उन्हें शिरडी में एक सप्ताह और रोक लिया। इसी बीच में निफाड़ के न्यायाधीश उदर पीड़ा से ग्रस्त हो गए, इस कारण उनका मुकदमा किसी अगले दिन के लिए बढ़ाया गया। एक सप्ताह बाद भाव साहब को लौटने की अनुमति मिली। इस मामले की सुनवाई कई महीनों तक और 4 न्यायाधीशों के पास हुई। फलस्वरूप धूमाल ने मुकदमे में सफलता प्राप्त की और उनका मुकव्विल मामले से वरी हो गया। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः। 9वीं कहानी शुरू करते हैं। नासिक के प्रसिद्ध ज्योतिषी वेदज्ञ 6 शास्त्रों सहित सामुद्रिक शास्त्र में भी पारंगत मूले शास्त्री एक बार नागपुर के धनपति साई भक्त बापू साहेब बूटी के साथ शिरडी पधारे। हस्तरेखा विशारद होने के नाते मूल शास्त्री ने बाबा के हाथ की परीक्षा करने की प्रार्थना की, परंतु बाबा ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर उन्हें 4 केले दिए और इसके बाद सब लोग वाड़े को लौट आए। वाड़े से लौटने के बाद में आरती के समय बाबू साहेब से बाबा ने कहा कि वो मूले से कुछ दक्षिणा ले आओ। मूले जब दक्षिणा देने के लिए गए तो मस्जिद के बाहर ही खड़े होकर बाबा पर पुष्प फेंकने लगे, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें बाबा की जगह उनके कैलाशवासी गुरु घोलप स्वामी दिखाई देने लगे। वे उनकी स्तुति करने लगे और जब आंख खोली तो उन्हें बाबा को दक्षिणा मांगते हुए देखा। यह चमत्कार देखकर उनका सर्यंश दूर हो गया। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः। 10वीं कहानी शुरू करते हैं। एक डॉक्टर अपनी साई भक्त मित्र के साथ शिरडी पधारे। उन्होंने मित्र से कहा कि तुम ही दर्शन करके आओ, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं श्री राम के अलावा किसी के समक्ष नहीं झुकता, खासकर किसी यवन के समक्ष और वह भी मस्जिद में तो कतई नहीं। मित्र के कहा कि तुम्हें वहां कोई झुकने या फिर नमन करने को कोई वाद्य नहीं करेगा, अतः तुम मेरे साथ चलो, आनंद रहेगा। वे शिरडी पहुंचे और बाबा के दर्शन खो गए, परंतु डॉक्टर को ही सबसे आगे जाते देख और बाबा की प्रथम चरण वंदना करते देख सबको बड़ा विस्मय हुआ। लोगों ने डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ,
डॉक्टर ने बतलाया कि बाबा के स्थान पर उन्हें अपने प्रिय ईष्ट देव श्री राम के दर्शन हुए और इसलिए उन्होंने नमस्कार किया। जब वे ऐसा कह ही रहे थे तभी उन्हें साईं बाबा का स्वरूप पुनः दिखाई दिया। यह देख के आश्चर्यचकित होकर बोले कि क्या ये स्वप्न है? ये यवन कैसे हो सकता है? अरे अरे, ये तो पूर्ण योग अवतार है। बाद में डॉक्टर वहीं रुके और उन्होंने परम अनुभूति का अनुभव किया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी साईं बाबा के चमत्कारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप भी साईं भक्त हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं ऐसी ही धार्मिक, पौराणिक और चमत्कारिक कहानी आपके समक्ष ऐसे ही प्रस्तुत करती रहूंगी। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।